रामपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले भले ही अपने ही गढ़ में सपा के कद्दावर नेता आजम खान की सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही हो, भले ही चुनाव की तारीख नजदीक आते आते उनके करीबी उनसे दूरी बना रहे हों, लेकिन मंगलवार का दिन आजम खान के लिए कुछ हद तक राहत भरी खबर लेकर आया। दरअसल हेट स्पीच मामले में आजम खान को MP MLA कोर्ट से जमानत मिल गई है और अब इस मामले में अगले महीने 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। देखिए, आज अपील जो पेंडिंग थी, क्रिमिनल अपील, उसमें बेल पे सुनवाई थी, जो उनको इंटरिम बेल दी गई थी। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत कंफर्म कर दी है और अब वो दौरान अपील बेल पर रहेंगे। अब अगली तारीख उसमें 2 दिसंबर। ये कौन सा मैटर था? ये जो हेट स्पीच के मैटर में जो कन्विक्शन हुआ था उसके अगेंस्ट स्पेशल जज MP MLA कोर्ट में अपील फाइल की गई थी, क्रिमिनल अपील। उस क्रिमिनल अपील में कोर्ट ने ऑर्डर किया। इस मामले में जमानत के लिए आजम खान मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में वो लगभग 4 घंटे तक रहे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 50,000 रुपए के 2 जमानती पेश करने और 50,000 रुपए का मुचलका भरने के बाद जमानत दे दी। यानी अभी फिलहाल तो आजम खान को जेल नहीं जाना होगा और 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में भले ही आजम खान वोट न डाल पाए, मगर वो अपनी शागिर्द और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आजम रजा के समर्थन में सियासी पिच पर बैटिंग कर पाएंगे। वहीं कोर्ट से मिली जमानत के बाद अब आजम खान से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने चंद शब्दों में ही जवाब दे दिया। आजम भाई कुछ बोले? बचाए बोलने के लिए। आपको बता दें कि पिछले महीने की 27 अक्टूबर को MP MLA कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोपी करार देते हुए सजा सुनाई और 25,000 का जुर्माना लगाया था। हालांकि सजा के ऐलान के कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। उस वक्त उन्हें मिली जमानत की मियाद 16 नवंबर तक थी, जिसे बढ़ाकर 22 नवंबर तक कर दिया गया था। सजा मिलने के बाद आजम खान की विधायकी चली गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 5 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। उधर रामपुर लोकसभा सीट पर जीत का स्वाद चखने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आजम का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर विधानसभा सीट पर भी कब्जा करने के लिए जोर लगाए हुए है। We'll be right back.